दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के पक्ष में नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेधा पाटकर ने अपने साथियों के साथ मिलकर मिट्टी सत्याग्रह यात्रा शुरू की। तो यहां 23 राज्यों का दौरा करके शनिवार को मानसा पहुंची और 5 अप्रैल को दिल्ली पहुंचेंगी। तो यहां आपको बड़ी जानकारी दे दें कि लोगों को संबोधित करते हुए नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेधा पाटकर ने कहा कि 91 साल पहले गांधी सत्याग्रह का यही समय था और आज समाजवाद चुनौती देने के लिए महात्मा गांधी द्वारा नमक उठाने का छोटा सा कार्य किया गया जो कि आग लगा दिया गया है। और ऐसे में उन्होंने कहा कि उस समय भी महात्मा गांधी को उनके साथी हंसी मजाक में कहते थे कि इससे क्या होगा, लेकिन वह आंदोलन साम्राज्यवाद को चुनौती दे गया था। दांडी सत्याग्रह का ये समय था 91 साल पहले और उसमें साम्राज्यवादी ताकत को चुनौती देने के लिए वो छोटा सा नमक उठाने का प्रतीकात्मक कार्यक्रम एक आग लगा गया था। और उस समय भी गांधी जी को हंसी मजाक के तहत लोग कहते थे, उनके ही साथी, इससे क्या होने वाला है, लेकिन साम्राज्यवादी ताकत को चुनौती दी गई। तो आज हमारे साथी गुड्डी तिवारी, फिरोज भाई मिठी भोर वाला, ये सब लोग और एक बुज़ुर्ग स्वतंत्र सेनानी हैं जी पारिक जी, सब ने मिलकर ये सोचा कि आज ज़रूरी है मिट्टी सत्याग्रह के। तो 12 मार्च से ये शुरू हुआ तो 23 राज्यों में अलग अलग जगह पर, जहाँ जहाँ आज़ादी के आंदोलन के दौरान शहादत हुई वहाँ, और आज़ादी के बाद के भी विशेष संघर्ष जल जंगल ज़मीन के लिए हुए, और आज भी जहाँ निर्माण कार्य जारी है, सब जगह से ऐसी मिट्टी आ गई है। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।